नमस्ते शुभ संध्या। तो CST 2022 संस्कृत जो विद्यार्थी मैंने थे से तो सरकार तरफ प्रोविजनल आंसर की आसीगला। तो आंसर की आसे पर सेठी बहुत गुडी भूल थी और से भूल गुड़ी को पूर्व वीडियो रे देखे दे थी किंतु तापर बहुत जन कमेंट करते लास्ट डेट 20 अच्छी 20 तारीख पूर्व मैंने किपर आंसर को चैलेंज करूँ और कौन तार फी लगुची एवं आंसर को चैलेंज कर सठिक प्रक्रिया कौन अच्छे सब विषय पचारे। तो आज तार PDF कर दे प्रत्येक क्वेश्चन रो जो आंसर गुड़िक अच्छे प्रूफ गुड़िक रही PDF करके टेलीग्राम अपलोड कर सारी सहित जो व्हाट्सअप मैं दुईट ग्रुप से अपलोड कर सारी। तो जो मैंने देखी ना जाकि भिजिट करके देखिपर एवं आज ही आंसर के चैलेंज करूँ 20 तारीख राति 8 तार लास्ट डेट रही मे बी साइट मतलब स्लो रही पारे। तो आज डिस्कसन करवा जानवा एक्चुअली आंसर की किपर चैलेंज करवा आंसर की चैलेंज कर सठिक प्रक्रिया कौन अच्छी आंसर की जदि चैलेंज न करेंगे तो कौन समस्या हे ता जाना जदि आप आंसर की चैलेंज करते निश्चित रूप से आपको मार्क बढ़ो कहीं जो तीन चार क्वेश्चन था से तीन चार क्वेश्चन पूरा पूरी भूल अच्छी तार प्रूफ जो सरकार तरफ जो बही रही से बही ही रही आप मार्क बढ़िया सुनिश्चित ग्यारंटी रोचे एवं यही सब विषय डिस्कसन करवा। बहुत जन पे बर्तमान देखा मिलूँ कि निश्चिंत रोचे अन्य मैंने तो चैलेंज करते कहीं चैलेंज कराया बोल कि गोटे जिन कह चाहिए आंसर की समस्त चैलेंज करूँ तो कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट रही है सरकार किसी पैसा नौना जपरी को स्टेट 500 टाँग दबाव पड़ता है ये से किसी 500 टाँग दबाव पड़नी आपको फ्री में अच्छे तो आप एप्लाय करूँ चैलेंज करूँ एवं अन्य मत कहतु चैलेंज करने जहाद्वारा कौन फायदा हम ना निश्चित रूप से आप मार्क बढ़ो अस स्टेट बेले यही हुए कि आप आंसर की चैलेंज करूना आप मार्क बढ़ोनी कितु ये आप चैलेंज करूँ। तो ताब कहूँ देखिया पूर्व जदि आपखपाख पा जदि कि शिक्षाशास्त्री प्रवेश परीक्षा प्रिपेरेसन करूँ आपने चैनल विषय कहींपरेंगे प्रत्येक दिन राति 9 समय शिक्षाशास्त्री प्रवेश परीक्षा जो टॉपिक गुड़िक रही तार क्लास हो पूरा पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट रही यार PDF से टेलीग्राम चैनल मिलजि। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ये 71 नंबर क्वेश्चन था छात्री सामान्य छात्री न क्रियते सामान्य छात्र मैंने सामान्यतः कौन करती। तो 4 ऑप्शन थी आदर्श वाचन अनुकरण वाचन मौन वाचन सामूहिक वाचन। तो जदि ये कह आदर्श वाचन शिक्षक करें एणु मौन वाचन आदर्श वाचन शिक्षक करें राइट आंसर ए हवा कथा कितु गवर्नमेंट कौन कर तार फाइनाल आंसर किए कौन कर प्रोविजनल आंसर किए मौन वाचन बोली क्लिक कर दे। तो या किपर आम चैलेंज कर यार प्रूफ सहित आपको पूर्व भिडियो मुझी तो ये रही से PDF गुड़िक फोटो गुड़िक BSc ओडिशार 160-161 एवं 4 एवं 12 यही चारोटी पृष्ठार आदर्श वाचन कौन अनुवाचन कौन मौन वाचन कौन एवं सामूहिक वाचन कौन ये सब विषय मेनसन कराई जपर ये देखिपार आदर्श वाचन विषय में स्पष्ट रूप से कहुई जहाँकि आदर्श वाचन शिक्षक करुच्ची बोल कि आदर्श वाचन एवं सामूहिक पठन विषय में उल्लेख कर सेपरी भाव में परवर्त समय नीरव पठन मौन पठन विषय में मेनसन कर। तो ये आदर्श वाचन अनुवाचन विषय में मेनसन कर। तो यार PDF मुझे टेलीग्राम अपलोड कर देती व्हाट्सअप ग्रुप अपलोड कर दी ताको आपकी अपलोड मानते कौन गवर्नमेंट साइट अपलोड करके आराम से चैलेंज करें। तो देखिबा एटी परवर्ती प्रश्न से भी रही भाषा कौशल इशु कठिनतम कौशलम वर्तते यार आंसर मु कौन सी सरकारी माने सरकारी पुस्तक मिललानी ये आंसर जो कह लेखनम किंतु आमर जो सिलेबस जो BSc ओडिशार बह रही से जिन मेनसन कराई एवं NCERT बही को देखिल NCERT बही कौटी मेनसन कराई या लेखनम बोल कि अन्य स्टेट्र बही की देखिली कि पाइली। तो किजन मत कौन करें ना उदय शंकर झा जो बहटी आप देखिपे यार स्क्रीनशॉट को पठाई कहले बही मेनसन कराई भाषा शिक्षण सब कठिनतम कौशल होती लेखनम बोल कि तो या प्रूफ रूप से मतलब नहीं उत्तर टी के दूर चैलेंज योग्य हम कही पार्वानी कहीं जो बहटी आप देखुंत संस्कृत शिक्षणम जार प्रकाशक व लेखक हो डॉक्टर उदय शंकर झा। तो बहुत जन भल विद्वान अटंती बहुत भल संस्कृतज्ञ अटंती किंतु ये पुस्तक टी कौन विश्वविद्यालय तरफ मान्यता दि जाए एणु यही पुस्तक टी सरकार मे भी न मानि पारती या चैलेंज कले सरकार न नहीं पारती या केवल चौखंबा तरफ ही प्रकाश कर चौखंबा गोटे हूँ केवल पब्लिकेशन रही तरफ प्रकाश कर कौन विश्वविद्यालय मान्यता प्रदान करनी कौन स्टेट गवर्नमेंट मान्यता प्रदान करनी। तो एणु बहटी तो आम बोली तो हमें किंतु ताको सरकार मानवे यार किसी ग्यारंटी ना तथा आपने चैलेंज करें से भाई आउ गोटे क्वेश्चन 81 रे PDF करके 3टा जगह टेलीग्राम अपलोड हो सारी। तो देखिए आप
किपर चैलेंज करेंगे ना फास्ट जी आप गूगल को गूगल क्रोम साइट जो जाऊँ सब बेस्ट क्रोम जी आप कौन सर्च करेंगे ना डीएससी ओडिशा डॉट इन तो ये आप देखुवे डीएससी ओडिशा डॉट इन सर्च कली तो संगे संगे मोर तले मैं आसगला जेहतु पूर्व मुझे बहुत थर मैंने सैट सर्च कर आसगला ये डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तो डीएससी ओडिशा डॉट इन सर्च करेंगे जपर आप डीएससी ओडिशा डॉट इन सर्च करूँ ठीक ये आसो तार होम पेज डीएससी ओडिशा ये हूँ होम पेज ये आपको निकट में आगे आस तापर आपने कौन करेंगे ये जो सैट आसो आपड़ कौन करेंगे बस स्क्रोल करेंगे तलब टी जी गले आप कौन नोटिफिकेशन गुड़ी भाई आसो आप टीचर मानक आपइंटमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यह सब विषय में आपको आसो शेष में पूरा जाइए अच्छी आप जो नोटिफिकेशन टी अच्छे चैलेंज करने जो अच्छी सी हूँ शेष में अच्छी देखिपे सबमिट सबमिट रिप्रेजेंटेशन रिलेटिंग ऑफ रिलेटिंग टू क्वेश्चन पेपर आंसर की फॉर सीबीटी हेल्ड ऑन 3/3/22 टू 12/3/2022 ये आपको कौट मिले ना पूरा पूरी लास्ट पार्ट आपको मिले जदि आप फास्ट खोजे पाइबे पूरा पूरी शेष में शेष आड़क ये लिखाई न्यू बोली लिखाई न्यू रीटा ही अच्छी गोटे तार सूचना अच्छी एवं अन्य गोटे तार से आंसर की चैलेंज करने जो कि अच्छी नोटिफिकेशन ता अच्छी तो पूरा शेष को जी क्लिक करेंगे न्यू बोली मतलब लिखा जाए आराम से जापरेंगे पारे तापर कौन करेंगे आपको ये जब जिते आप क्लिक करेंगे आपको से कौन कर आप्लिकेसन नंबर कह आप्लिकेसन नंबर टी आप NTGS तो यहपरी थोड़ा परवर्त आप नंबर थी एस अर्थ संस्कृत NTGS आप नंबर थी लिखला कौन करेंगे क्लिक टू सेंड ओटीपी ओटीपी सेंड पे करदे तो ओटीपी कौटी जी मोबाइल नंबर को जीव कि आपंकर रजिस्ट्रेशन मेल को जीव उभय स्थान को सी जीव ओटीपी जीवा पर आप कौन करेंगे ये पुणी थर आपण से जो आप अपलोड करेंगे आप्लिकेसन नंबर ताइट शो कर ओटीपी आप सबमिट करेंगे और ये गोटे कैप्चा देखिए कैप्चा को ठीक भाव लिखे सब गुड़ा कैप्चा आप कैपिटल लेटर देखिए किसी प्रोब्लम हेनी और आप कौन करेंगे लॉगिन करदे तो जिते आप लॉगिन करेंगे से समय आपर कौन हो ना यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर कौन आसगला आपर देपर कैंडिडेट ना आसपर पोस्ट नेम देख रोल नंबर मत देख जड़े व्यक्ति यहाँ रही पर्सनाल तो से घोड़े रोल नंबर मैं ये आसपे कौ तारीख में टेस्ट आप एग्जाम देते ना 4/22/10-12 देते नो डाउट ये आपठ सब डिटेल्स ये आराम से पाईगले कौन करेंगे देखते ये क्वेश्चन नंबर केत नंबर क्वेश्चन को आप ये चूज करने जाऊँ तो सिलेक्ट उपर क्लिक करेंगे जबकि आप सिलेक्ट उपर क्लिक करेंगे क्वेश्चन ए एक आपंकर संपूर्ण 150 पर्यंत आसो तो सही आपको चूज करार अच्छी केत नंबर क्वेश्चन ना 71 नंबर क्वेश्चन तापर कौन करेंगे 71 नंबर क्वेश्चन चूज कलापर ये देखुवे कंटेस्ट रेस्पन्स आप कौन आंसर आपते आपत एग्जाम ठीक उत्तर आप कौन बोली कौन तो आम जानते 71 नंबर ठीक उत्तर रोचे आदर्श वाचन उपर क्लिक करेंगे आप उपर क्लिक करेंगे ए उपर क्लिक कलापर कौन अच्छी आप उपर क्लिक कराव एपर क्लिक कलापर आप क्वेश्चन नंबर है ए उपर क्लिक तो देन तापर आप देखो रिप्रेजेंटेशन टेक्स्ट आप कौन एक्चुअली से क्वेश्चन विषय कह चाहते ता लिखु तो ये लिखाई कि यार ऑप्शन हूँ ए कहीं यार मत प्रूफ मुझे तले देखिए पुस्तक ना को मेंशन कराई लेटर टी टेलीग्राम पोस्ट कर दिए आप कॉपी पेस्ट करी अपलोड करेंगे और शेष में कौन करेंगे चूज फाइल जो पीडीएफ टी रही पीडीएफ क्वेश्चन नंबर 71 लिखाई चूज फाइल करके ये अपलोड करदे देन अपलोड कालापर कौन है ना आपण मानक ये आपन अपलोड करदे अपलोड कलापर आप सेव एंड कंटिन्यू बोली आप एक ऑप्शन ये देखादेव देखिपे समस्ते शेष देखा सेव एंड कंटिन्यू आप सेव करदे जपरी आप सेव कर पुणी थे कौन हम ना आउ गोटे आंसर को चूज करने देखे तीनो आंसर रही तीन क्वेश्चन रही गोटे 71, 75, 81 तो तीन टाइम पीडीएफ मुझे अलरेडी ग्रुप छाड़ी तो पुणी थे आप सेव एंड कंटिन्यू पर पुणी थे ये आसवे ये पुणी थे आप्लिकेसन नंबर नहीं ये पुणी थे क्वेश्चन नंबर को चूज करेंगे देन आपर आंसरटा कौन रोच ठीक आंसर कौन ताक चूज करेंगे आप जो टेस्ट लिखार अच्छे पुणी थे ये लिखे और पुणी थे ये डॉक्यूमेंट गोटे अपलोड करदे तो जहाँपुर आपने कौन हो पारे आराम से आंसर की को चैलेंज करें पुणी थे सेव एंड कंटिन्यू यहपर भाव में आपको जितने मतलब क्वेश्चन डाउट लगे जब प्रूफ जिते परिमाण अच्छे सब गुट कलेक्शन करके आपकी से अपलोड करेंगे तो वन्स आप सबमिट एंड कंटिन्यू सेव एंड कंटिन्यू सरगला तो ये आप शेष में लग आउट बोली ये अप्सन दी लग आउट पर क्लिक करदे तो ये आप देखिपारे पूरा पूरी आपंकर कौन हो ना जिते जहाँ कि अपलोड करते सब सेव हो रहा आप बाहर को आसीगले
ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବିଷୟ ରହିଛି ମାର୍କ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏଇଠି ଆନ୍ସର କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆନ୍ସର କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି ତାହେଲେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ସମୟରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଥରେ ମିଶିବା ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସେସନରେ ସେଇଥିରେ କିଛି ନୂଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ସେଠି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା CST ର କଟ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ଯିବ, ତା ସହିତ ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ଆସିବ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ପୁଣି ଥରେ ମିଶିବା। ଜୟ ଭାରତମ୍, ବଦୁ ସଂସ୍କୃତ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।